हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तो अपने धर्म का पालन करेगा, मैं माँ के धर्म का पालन करूंगी। मैं भी अपने बछड़े से बिछड़े गैया की तरफ तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया। माँ, शायद तुम्हें विदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? यह हंसी नहीं, अटल सत्य है माता। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। धीरज रखो माता, अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। परंतु ये सब क्यों? किसने किया ये सब? राज्याभिषेक के तो स्वयं महाराज उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से जल्दी से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था, फिर एक ही रात में उनका निश्चय क्यों बदल गया? क्यों? उससे अधिक कई की ममता है तुझ पर, फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? क्यों? ये स्वयं महारानी कैकई का ही तो आदेश है। कैकई का? हाँ माता, पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता कैकई को 2 वर दिए थे। अब उन्होंने वो दोनों वर मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूं माता। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए यो अकस्मात विदा मांगने आ गया। इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल, और मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे सहज भाव से कह गया वनवास? वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे लाल? तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। परंतु पिता की आज्ञा है माँ। माता का भी तो उतना ही अधिकार होता है, माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। परंतु माँ की भी तो आज्ञा मिल चुकी है, माता कह गई कि उन्होंने ही आज्ञा दी है। कहीं कहीं का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है? मेरे लिए तो कैकई भी वैसी ही माता हैं जैसी आप, उतना ही मोल है उनकी बात का मेरे लिए। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। मां,
मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता की आज्ञा की अवहेलना करने का आदेश दे रही हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुलवधु माता कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई? इसी अयोध्या के राजा सगर की संतान ने पिता की आज्ञा से पृथ्वी पाताल एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सत्य धर्म तथा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए इसी अयोध्या के अधीश्वर राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी तथा पुत्र दोनों को बीच बाजार खड़े करके बेच दिया था। पिता का वचन और माता की आज्ञा का पालन करने का व्रत ले चुका हूं, उससे विमुख करने की बात अपने मुख से कैसे निकाल रही हो माता? अपने पुत्र को पथ भ्रष्ट होने का आदेश देकर अपयश की भागी न बनो। निभा ले रघुकुल की रीति नीति, धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर, तू अपने धर्म का पालन करेगा, मैं माँ के धर्म का पालन करूंगी, मैं भी अपने बछड़े से बिछुड़े गैया की तरफ तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, आप मेरे साथ नहीं आएंगे, पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है।